दिल्ली राउज आईएएस कोचिंग के सेंटर में हादसे के बाद अब एमसीडी भी एक्शन में आ गई है। एमसीडी ने 13 ऐसे कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील किया है जो अवैध थे। मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह अभियान पूरे दिल्ली में चलाया जाएगा। एमसीडी के इस एक्शन के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लाइब्रेरी मालिक छात्रों से सेंटर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ज्यादातर लाइब्रेरी में ताला लटका हुआ है, ऐसे में छात्रों के सामने पढ़ाई का एक बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। वहीं राउस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो कोचिंग प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। वहीं पुलिस ने 3 छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि दोषी ऑफिसर्स पर कार्रवाई कब होगी। तो आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला और गर्मा गया है। छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए। इस बीच एमसीडी की ओर से कार्रवाई करते हुए इलाके में तमाम बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ एमसीडी ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो पूरे दिल्ली में यह अभियान चलाया जाएगा। इस बीच कई और वीडियो सामने आए हैं हादसे के दिन के, जिससे जाहिर होता है कि किस तरह से कोचिंग सेंटर की ओर से लापरवाही बरती गई। जिस वक्त पानी भरना शुरू हुआ था, सड़क पर पानी भरना शुरू हुआ था, उस वक्त एहतियातन क्यों छात्रों को बेसमेंट से बाहर नहीं निकाला गया। दिल्ली हादसे के बाद एक्शन में आया एमसीडी। तेरह कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट हुए सील। ट्रिपल मर्डर पर सड़क पर छात्रों का प्रोटेस्ट। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद देर से ही सही एमसीडी की कुंभकर्णी नींद टूटी है। हादसे के बाद रविवार को जहां सुबह वर्षों से जाम पड़े नालों की सफाई का काम शुरू हुआ, तो वहीं शाम होते होते ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में चल रही अवैध लाइब्रेरी को सील करने का काम भी शुरू हो गया। आपका कंसर्न ये है कि इस टाइप की लाइब्रेरी जो ऑपरेट कर रही है, अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो भी ऑपरेट नहीं कर रहा है, आज शाम को 3 शुरू होगी है। सुन लीजिए एक मिनट के लिए, हमने 8 ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 3 सील हो चुकी है, शाम को सीलिंग अभी चालू है। अब तक एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटरों में चल रही 13 अवैध लाइब्रेरी को सील कर दिया है। जिन कोचिंग सेंटरों की लाइब्रेरी को सील किया गया है वो हैं आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। राउज कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद अब एमसीडी के अधिकारी एक्शन में दिख रहे हैं। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर का कहना है कि जो भी गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। 3 के हमने ऑर्डर्स अंडर प्रोसेस है, टोटल 11-12 तो इमीडिएटली हमने आइडेंटिफाई कर दिए। लाइब्रेरी नीचे मतलब बेसमेंट में चला रहे थे। अभी स्टेज 1 में हमने यही देखा है कि जो बेसमेंट में कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो, कोचिंग सेंटर्स अभी उसमें देख। लेकिन सवाल ये भी है कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 1000 से ज्यादा घरों में बेसमेंट में लाइब्रेरी जो चल रही है, क्या उन सभी पर भी एक्शन होगा?
पे ओ आर एन में 1600 लाइब्रेरी चलते हैं, जो सारी लाइब्रेरी ही बेसमेंट के नीचे है। यहाँ के लोगों को सिर्फ पैसा लेने से मतलब है, उन्हें भर भर के रेंट चाहिए, उन्हें स्टूडेंट के सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। अब है कि अगर इसमें अभी यहाँ से मैं नोटिस कर रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से पानी आता है और पूरा पानी यहाँ से भर के चलता है, उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इसमें पानी फिल हो जाए तो स्विचेस जितने भी हैं यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस नीचे ही हैं, सबसे पहले पानी जाते ही क्या होगा कि स्विचेस से वो बेसमेंट में वो पानी आएगा और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। वहीं हादसे के बाद से ही नाराज छात्र राजेंद्र नगर की सड़कों पर बैठे हैं। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र रात भर सड़क पर ही बैठे रहे। राजेंद्र नगर में इसी तरह से छात्र सड़कों पर हैं। कुछ देर पहले एमसीडी के अधिकारी भी यहां पर आए थे, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी यहां पर पहुंचे थे। छात्रों से उन्होंने बात की कि आप अब धरना प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए, हमने कार्रवाई की है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और तिहाड़ उनको भेज दिया गया है। हालांकि कुछ छात्र ये भी सवाल कर रहे थे कि आपने तो कस्टडी तक नहीं मांगी उन आरोपियों की जिनको पकड़ा गया है और सीधा उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, ये सवाल भी उठाया गया। इसके बाद जो एमसीडी के अधिकारी थे वो ये कहते नजर आए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। रविवार को छात्रों ने कई इलाकों में दिल्ली सरकार और मेयर शैली ओबेरॉय के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने शैली ओबेरॉय के बोर्ड पर कालीख पोत दी। छात्रों की मांग है कि एमसीडी के लापरवाह अफसरों पर तुरंत एक्शन हो। ये डिमांड है कि जो सच है पहले तो सामने वो रखा जाए, जो डेड हुए उनको उनकी रिस्पेक्ट तो दी जाए। अब 3 बॉडीज बता रहे हो, 10 बॉडीज से ज्यादा रात को निकली है, पूरी रात रेस्क्यू चला है। ये मतलब वाटर लॉगिंग जो है, ये अगर यहाँ ढंग से 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो यहाँ इतनी इतनी पानी हो जाती है, मतलब निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एमसीडी वाले कुछ नहीं कर, डिमांड करते हैं लाइक जो भी आप इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी घर है जो अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रहे हैं वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉलो करो, गवर्नमेंट शुड इशू दैट गाइडलाइंस। वहीं एमसीडी के एक्शन के बाद अब ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अवैध लाइब्रेरी चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। यहां हर दूसरे घर के बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी चलाई जा रही है। एक्शन की खबर लगते ही अवैध लाइब्रेरी चलाने वालों ने यहां ताले डालने शुरू कर दिए हैं। यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों को तुरंत अपना सामान निकालने को कहा गया है। ऐसे में उन छात्रों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है जो इन लाइब्रेरियों में पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेटर ने बुलाए कि कल एमसीडी वाले सील भी कर सकते हैं, तो हमारी कोई गारंटी नहीं, तो इसके कारण आप तो मतलब उठा लीजिए। 90% लाइब्रेरीज भैया यहाँ पे अंडरग्राउंड है, तो ओनली 10% आर फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरीज, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो लोग अब 4000 पर मंथ कर रहे हैं, तो ये दिक्कत होगी क्योंकि अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, एक ही गेट है बाकी बस। ये मतलब ये 90% लाइब्रेरी का यही हाल है कि बस एक गेट, कुछ भी हुआ शॉर्ट सर्किट हुआ तो मतलब कुछ भी हो सकता है। 2-3 दिन पहले ये देखो आगे तो ये टूटा था, तो इससे वाटर वगैरह बह रहा था, मतलब ये हर जगह का हाल है सर। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी हुई है। ज्यादातर लाइब्रेरी घरों के बेसमेंट में अवैध रूप से बनी है। यहाँ छोटी सी जगह में 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी की फीस 2 से 2500 रुपए महीना है। वहीं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर बनी लाइब्रेरी महज 10% है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर बनी लाइब्रेरी का चार्ज 3 से 5000 रुपए महीना है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के उनके तो चार्जेस पहले से ही बड़े हुए हैं, और अभी जो नीचे मतलब जो बेसमेंट की लाइब्रेरी के बच्चे हैं वो जो दूसरी तरफ ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली वो डिमांड बढ़ेगी, तो ओनर लोग इसका फ़ायदा लेने के लिए मतलब उसके प्राइजेस वगैरह बढ़ा देंगे, तो प्रॉब्लम मतलब वही आके रुक गई है। तो इसका भी कुछ सोल्यूशन चाहिए कि मतलब वो प्राइस ना बढ़ाएं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हादसा है, इससे सभी को सबक मिली है। तो यही रिक्वेस्ट है कि मतलब वो मीडिया वगैरह जो पुलिस वगैरह है वो इनके ऊपर वॉच रखें, और जो उसकी वजह से स्टूडेंट लोगों का फाइनेंशियल एक्सप्लोटेशन ना हो ऐसा। मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर अंडरग्राउंड, सो अब ऊपर और जो लाइब्रेरी है वो 10% है, तो अभी उसकी डिमांड तो बढ़ेगी और रेंट भी बढ़ जाएगा, तो अभी देखते हैं, क्योंकि हमारी मेंस पास में है तो हमें तो रूम के बाहर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रूम 2-3 जन लेते हैं तो रूम में पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। इन लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों की मांग है कि पुलिस ऊपरी मंजिलों पर लाइब्रेरी चलाने वालों की मनमानी पर लगाम लगाए।
जिससे छात्र आसानी से यहाँ पढ़ाई कर सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन छात्रों की लाइब्रेरी में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसे इस तरह समझते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक रूम का किराया 20 से 25,000 रुपए महीना है। 3 से 4 छात्र मिलकर एक रूम किराए पर लेते हैं। सभी छात्रों की पढ़ाई का समय और विषय अलग होते हैं, ऐसे में एक रूम में एक साथ पढ़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, इसलिए छात्र अक्सर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते हैं। आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो अकेले कमरा नहीं ले सकते, इसलिए छात्र लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। वहीं राउज कोचिंग सेंटर में जानलेवा हादसे के बाद कई कोचिंग सेंटरों में लगे अवैध होर्डिंग हटने लगे हैं। कोचिंग संस्थान एक्शन से बचने के लिए खुद ही बोर्ड हटा रहे हैं। इस पूरे इलाके में तारों का ऐसा मकड़जाल फैला है कि एक पोल में सैकड़ों तार लटक रहे हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। यहाँ रह रहे छात्रों के सामने जिंदगी के साथ साथ एग्जाम का भी प्रेशर है, क्योंकि 20 सितंबर से आईएएस के मेंस एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मेंस की तैयारी के लिए देश भर से हजारों छात्र इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं। ऐसे में इन छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पढ़ाई करने की है। आखिर वो कहाँ रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि सवाल भविष्य का है।